नरसिंहपुर के गाडरवारा में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। वर्ष 2023 में समर्थन मूल्य पर खुलने वाले मूंग खरीदी केंद्रों पर प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई, जहां एक ओर नजदीकी वेयर हाउस खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के आला अधिकारियों ने 10 से 15 किलोमीटर दूर पर बने वेयर हाउस को मूंग खरीदी केंद्र बनाया, जिससे किसान का भाड़ा तो बढ़ेगा ही, आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुनसान इलाके में बने वेयर हाउसों में किसानों के लिए कोई व्यवस्था मुहैया नहीं है। यही वजह है कि लगातार गाडरवाड़ा क्षेत्र के किसान इसका घोर विरोध कर रहे हैं और लगातार ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि स्थानीय नजदीकी वेयर हाउस में मूंग खरीदी केंद्र बनाए जाएं। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा किसानों की एक नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में काफी आक्रोश है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में आला अधिकारियों की तानाशाही का खामियाजा कहीं सत्ताधारी पार्टी को ना भुगतना पड़े। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने गोलमाल जवाब देना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अभी हमने लिस्ट जारी नहीं की है, जबकि सोशल मीडिया पर खरीदी केंद्र की सूची वायरल हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों का डुलमुल रवैया किसानों के लिए भारी ना पड़ जाए। किसानों के साथ साथ वेयर हाउस मालिकों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वेयर हाउस मालिकों का कहना है कि नजदीकी वेयर हाउसों को छोड़कर दूर के वेयर हाउसों में खरीदी केंद्र बनाना न्याय संगत नहीं है। अब चूंकि साली चौका में भी वेयर हाउस है लोकल में, और जो कि साली चौका में ही है, साली चौका से दूर नहीं है, और पिछली बार भी हम ये खरीदी केंद्र यहाँ स्थापित हुए थे और यहाँ किसानों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई और खरीदी बिल्कुल सुचारू चली और आराम से सारे काम हुए। मगर वर्तमान में अब किस कारण ये बने, अब जो भी अधिकारियों ने बनाए हो, जो भी सोच समझ के बनाए हो, मगर लोकल जो किसान है, आज साली चौका तो मेन मुख्यालय है, अब साली चौका से सारे गांव, जैसे अमाड़ा ले लो, पचामा ले लो, भटरा है, खेरुआ है, अर्जुन गांव, केसला, छोटी बाबाई, टोला, ये सब 1.5 से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अंतराल पे हैं। अब जो वर्तमान में खरीदी केंद्र इन लोगों ने बनाए हैं, ये एक खरीदी केंद्र मेरे ख्याल वो जो अपना पिठवानी रोड पे है जाना, तो वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ना। फिर एक खरीदी केंद्र ये इस रेवा के साइड बना है, वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है ना। और जो उस साइड खरीदी केंद्र बने हैं वो रेलवे गेट के उस साइड है, तो रेलवे गेट पड़ने से इतना यहाँ ट्रैफिक है और इतने किसान परेशान होंगे। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो छोटे किसान हैं, जो एक एक दो दो एकड़ वाले हैं, चार चार एकड़ वाले, वो अपनी जिन्स काय में लेके जाएंगे उतनी दूर, उनका भाड़ा लगेगा अननेसेसरी। और वहाँ पे जहाँ पे इन्हें खरीदी केंद्र बनाए, ना वहाँ चाय की दुकान, ना पान की दुकान, ना वहाँ कोई रहवास, वहाँ बिल्कुल